नमस्कार, मैं धनपत घोड़ेला, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। मैं आज आपको AR 205, जिसका कोड है और जो ऑटोकैड से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, उससे संबंधित आपको कुछ कमांड्स बताऊंगा, ताकि आप कंप्यूटर पे अपना ड्राइंग कैसे बना सकते हैं और किन कमांड्स के आधार पे आप कंप्यूटर पे अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, शुरू में अपने को कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर को अपने को ओपन करना है और ऑटोकैड का प्रोग्राम उसमें होना चाहिए। ऑटोकैड के प्रोग्राम को ओपन करने के बाद सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, वो है यूनिट सेट करना। यूनिट सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डेसिमल और डिग्री में यूनिट बना रहे हैं या आर्किटेक्चर ड्राइंग बना रहे हैं फीट और इंच में, तो उसके लिए आपको यूनिट सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड पे UN टाइप करना है। UN, देखिए मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ, UN, और उसके बाद एंटर का बटन आप दबाएंगे तो आपको एक ये विंडो आपको ओपन मिलेगी। इस विंडो में आप यहाँ पे अगर डेसिमल में ड्राइंग बनाना चाहते हैं, डेसिमल डिग्री में, तो आप डेसिमल सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे पॉइंट्स का प्रिसिशन दिया हुआ है, कितने पॉइंट तक आपको डिस्टेंस चाहिए या शो करना है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट में चाहिए, 2 डिजिट में चाहिए, 1 डिजिट में चाहिए या बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए आपको फीट और इंच में ड्राइंग बनानी है तो आर्किटेक्चर आपको टिक करना होगा। तो ये देखिए, यहाँ अपने आप फीट और इंच आ गया। इसमें अपने को मिनिमम क्वार्टर हाफ इंच तक लेना चाहिए, ये ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि इससे कम एफिशिएंसी मैसन लोग, कारीगर लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपन यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। साथियों, आज मैं आपको डेसिमल के साथ बनाना बताऊंगा। यहाँ पे अपन 0 इसका प्रिसिशन लेके चलते हैं और इसके बाद इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद देखिए, आपके पास ये पूरा ऑटोकैड की स्क्रीन है ओपन। और सबसे पहले ड्राइंग बनाने के लिए अपने को क्या करना है, लाइन कमांड। लाइन कैसे खींचते हैं, लाइन कमांड के लिए अपने को L का की दबाना है और उसके बाद एंटर का बटन दबाना है और उसके बाद कर्सर से आपको क्लिक करते हुए लाइन का डायरेक्शन देना होता है। लाइन का डायरेक्शन आप लेफ्ट टू राइट भी दे सकते हैं, राइट लेफ्ट टू राइट दे सकते हैं, या राइट टू लेफ्ट दे सकते हैं, या ऊपर नीचे से ऊपर दे सकते हैं, या ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं। आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं लाइन कमांड ले रहा हूँ L, उसके बाद मैं एंटर का बटन दबाया मैंने। अब देखिए, ये मेरा कर्सर रेडी है। माउस के लेफ्ट साइड वाले बटन से मुझे क्लिक करना होता है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखिए स्क्रीन पे एक लाइन डेवलप हो रही है। मैं लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ या मैं राइट टू लेफ्ट चलूँगा तो एक लाइन डेवलप होती है, या बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम, आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये मेरी लाइन बनने जा रही है। ये लाइन मान लीजिए मैंने, मुझे 100 की खींचनी है, 100 mm की खींचनी है, तो मैं इसको 100 100 का मैंने इसमें इसका वैल्यू डाला है और उसके बाद मुझे एंटर का बटन दबा देना है। जैसे ही मैंने ये छोड़ा और उसके बाद एस्केप कमांड से मैं इस कमांड से बाहर आ जाऊंगा। बाहर आते ही आप देखिए, ये एक लाइन मेरे पास डेवलप हो गई है।
यहाँ से इसकी लेंथ यहाँ तक है। देखिए अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे डाइमेंशंस एक कमांड है, इस कमांड को जैसे ही आप अपने माउस से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एंटर का बटन दबाएंगे, एंटर का बटन दबाते ही आप देखिए यहाँ पे एक चौकोर कर्सर हो गया है। इस कर्सर को लाइन के ऊपर लेके आकर के वापस अपन क्लिक का बटन दबाएंगे और ऊपर ले आएंगे और ये देखिए आप डायमेंशन 100। अपन ने आपको याद होगा कि अपन ने 100 की एक लाइन खींची थी, वो 100 आपको मैं दिखा रहा हूँ, लाइन यहाँ से यहाँ तक है और इस लाइन की जो डायमेंशन है वो 100 है। इसी तरीके से आप एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट या टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, इस तरह से आप एक लाइन कमांड बना सकते हैं। साथियों आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, मैं शो करता हूँ, हाजिर होता हूँ थोड़ी देर बाद। नमस्कार।